शांति। अनंत आकाश से पालना आपकी, मन को मिलती सकास आपकी। आज सम्मुख न होते भी आप साथ हैं भाई जी। आपके पद चिन्हों पर चल सके करते हैं हम प्रयास भाई जी। आपके सानिध्य में ही तिकरापारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मंजू दीदी जी को दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त हुई और 12/12/2012 को शिव अनुराग भवन का शिलान्यास व भूमि पूजन हुआ और 13/12/2020 को प्रेमांजलि समर्पित की गई। शिव बाबा ने भी यही शिक्षा दी है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 13 दिसंबर 2020 हम सभी के हृदय में उन भावों को प्रकट करने के लिए शब्द सुमनों के माध्यम से व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है। मंजू दीदी जी के अनुभवों की प्रथम कड़ी में जो आपने जाना और दूसरी कड़ी में उस यात्रा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई जी के लिए दीदी जी हमेशा यही कहती हैं कि मंजिल पर सफलता की निशाथ है आप, मंजिल पर सफलता की निशाथ है आप, होठों पर खिलती हुई मुस्कान थे आप, डरने वाले नहीं थे बड़े विघ्नों से भाई जी, आज हमारे लिए तो सूरज से जगमगाते आसमां है आप, सूरज से जगमगाते आसमां है आप। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सम्मुख प्रेमांजलि की दूसरी कड़ी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इसके टिकरापारा सेवा केंद्र में आदरणीय भाई जी की पालना में पली हुई हम बहनों के अंदर एक ऐसा भाव जागा कि भाई जी ने हमारी इतनी अद्भुत पालना की है तो क्यों ना उस पालना को शब्दों का रूप दिया जाए और शब्दों में पिरोया जाए। हालांकि जिन्होंने हमारी पालना की है उस पालना का रिटर्न हम ऐसे तो चुका नहीं सकते, परंतु उनके दिखाए गए मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम अपना जीवन बनाते हैं तो यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये प्रेमांजलि कहूँ, श्रद्धांजलि कहूँ, पुष्पांजलि कहूँ, स्मरणांजलि कहूँ, अपने आप में ये एक अद्भुत शब्द है। तो जैसे ही हम बाबा का नाम लेते हैं तो बाबा हाजिर हो जाते हैं, वैसे ही हमें अनुभव होता है कि भाई जी जैसे ही हम कहते तो भाई जी उसी विश्व महाराजन रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। वैसे तो भाई जी की पालना का बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है मुझे और आज जो भी स्थान भाई जी ने मुझे दिया उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई जी ने एक हीरे को तराशा है और ऐसा तराशा कि मुझे अनुभव होता है कि भाई जी के लिए कभी कभी नैनों से अश्रुधार भी बह निकलती है। सभी बहनें हमारी बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, परंतु भाई जी में हम ब्रह्मा बाबा के समान वो पालना अनुभव करते थे। तो ये श्रृंखला शुरू होगी और आज सबसे पहला अनुभव आपके बीच में रखने जा रही हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, क्लास 8th में पढ़ती थी और भाई जी का बिलासपुर आना जाना होता था। भाई जी का कन्याओं से बहुत प्यार था। मैं ये नहीं समझ पाती थी कि भाई जी कन्याओं से इतनी बातें क्यों करते हैं, ये मुझे बाद में समझ में आया। तो जब भी भाई जी सेवा केंद्र में आते थे तो उनको मैं स्थूल सेवा करती हुई दिखती थी। भले 8th क्लास में पढ़ती थी तो कभी झाड़ू लगाते हुए, कभी पोछा लगाते हुए, कभी बर्तन धोते हुए, बर्तन मांजते हुए भाई जी को मैं दिखती थी।
और भाई जी बहुत प्यार से नाम पूछते थे, क्या पढ़ रही हो, कौन से स्कूल में पढ़ रही हो, सभी बातें पूछा करते थे। और साथ ही भाई जी जो दूरांदेशी बुद्धि होकर के सोच रहे थे उसके बारे में हमें पता भी नहीं था। और भाई जी ने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की शुरुआत की, यानी हॉस्टल खोला। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में हॉस्टल खोला था, वैसे ही भाई जी की भी दिल से इच्छा थी, जो हमारे लिए पिता समान ही थे और आज भी हैं और रहेंगे। तो उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि कन्याओं के लिए ऐसा छात्रावास खोला जाए जिसमें बहनों की दिव्य पालना हो और वो नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को लेकर के चले और परम शक्ति को भी यथार्थ रीति पहचान कर मानव सेवा में, समाज सेवा में लगे। और 1983 में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की शुरुआत हुई। उस समय मैं 11th क्लास में पढ़ती थी और मेरी सिस्टर ममता दीदी वो इंदौर हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती थी। मुझे अपने माता पिता को छोड़ने का साहस नहीं होता था क्योंकि मैं कभी दूर नहीं रही थी, और माता पिता से भी ज़्यादा मेरे को भाई को छोड़ने का साहस नहीं होता था कि मैं अपने भाई को छोड़ करके कैसे रहूँगी। बहुत दिल की बात आपके आगे कह रही हूँ क्योंकि भाई जी के साथ के अनुभव हैं, क्योंकि मैं अपने लौकिक भाई के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। तो सोचिए मैं इंदौर हॉस्टल जा कर के कैसे रहती। तो भाई जी जब मैं 11th क्लास में पढ़ रही थी उसी समय भाई जी का बिलासपुर आना हुआ। एग्ज़ाम हो चुकी थी और मेरे पेपर्स बहुत अच्छे नहीं गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगी, पास नहीं होंगी और दोबारा मुझे 11th की एग्ज़ाम देनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ही मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इतना मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन ले तो लिया था मैंने साइंस सब्जेक्ट। और पेपर्स बहुत अच्छे नहीं गए थे और किसी किसी में लग रहा था कि मैं पास नहीं होंगे। भाई जी का आना हुआ और भाई जी की नज़र में मैं आ गई और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अभी कौन सी क्लास में हो। मैं छोटी सी दिखती थी बहुत, तो कहा कि 11th में। कहा एग्ज़ाम हो गई? मैंने कहा हाँ भाई जी एग्ज़ाम हो गई है। तो भाई जी ने कहा कि 11th के बाद हॉस्टल आओगी ना पढ़ने के लिए, ममता तो आ गई है, अब तुमको भी आना है। तो भाई जी, मैंने बड़ों के आगे हम कुछ बोल नहीं पाते थे, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो मैंने जी भाई जी तो कह दिया, लेकिन मैंने सोचा कौन जाएगा वो हॉस्टल पढ़ने के लिए, वहाँ के नियम मर्यादाएं ये सब मेरे से होने जाने वाला नहीं है। ये मुझे महसूस होता था कि बचपन से ज्ञान तो था, ज्ञान बहुत अच्छा भी लगता था, परमात्मा के ऊपर भी निश्चय था कि परमात्मा करके ज्ञान दे रहा है, लेकिन माता पिता और भाई को छोड़ने का साहस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने ऐसी भाई जी को कहा कि भाई जी मेरे पेपर्स अच्छे नहीं गए हैं, मैं फेल हो जाऊंगी और मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि 11th तो मुझे यहीं से देना पड़ेगा। तो भाई जी ने मुझे देखा था झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए, जितना इन छोटे छोटे हाथों से मुझसे बनता था उतना करती थी 8th क्लास से। तो भाई जी ने एक आशीर्वाद कहूँ, एक वरदान दे दिया मुझे कि जो बाबा के घर की सेवा करता है, जो बाबा के घर की सेवा दिल से करता है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो मेरे अंदर आया कि भाई जी ने पेपर थोड़े दिया है, पेपर तो मैंने दिया है और फेल तो होंगी ही मैं। मुझे ऐसे लग रहा था मैं जाने वाली तो हुई नहीं, 11th में मैं फेल होंगी। उस समय मीडिया इतना सशक्त नहीं था कि कोई मोबाइल में या इसमें अपना रिजल्ट देख ले। अब क्या हुआ, भाई जी ने मेरा रोल नंबर ले लिया और भाई जी चले गए रायपुर, और रिजल्ट जब निकला तो सच कहूं कि मुझे पहले नहीं पता चला, सबसे पहले भाई जी ने मेरा रिजल्ट देखा।
और उस दिन सुबह सुबह हम लोग 5:30 बजे सेंटर पहुंच जाते थे, तो भाई जी ने सुबह सुबह फोन किया कि मंजू को बुलाओ। और जैसे ही मैं फोन के पास गई, फोन उठाया, मुझे लगा भाई जी का फोन है, फिर इंदौर आने के लिए कहेंगे और मुझे इंदौर तो जाना नहीं है। तो भाई जी ने कहा, ओम शांति मंजू बहन, आज आपको ना बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं। मैं सोचा क्या खुशखबरी हो सकती है। तो भाई जी ने कहा कि तुम पास हो गई हो मंजू बहन। तो मैंने कहा देखो इंदौर आने के लिए ऐसे बोल रहे होंगे मुझे, मैं पास हो ही नहीं सकती 11th में, मेरा पेपर अच्छा ही नहीं गया है। तो भाई जी ने कहा मंजू बहन तुम पास हो गई हो। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, तुमने कहा था कि मैं पास हो जाऊंगी तो मैं इंदौर आऊंगी, जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन भाई जी को विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगी। अब भाई जी ने कहा तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि तुम पास हो जाओगी तो इंदौर आऊंगी। मैंने सोचा बुरे फंसे, अब तो इंदौर जाना ही पड़ेगा, कैसे हिम्मत जुटाऊं इंदौर जाने की। वाकई में मैं पास हो गई थी 11th में मैं पास हो गई थी। और मेरे लौकिक पिताश्री की भी इच्छा बहुत थी कि ममता दीदी तो चली गई है, अब ये भी जाए, क्योंकि कन्याओं को संभालना प्यार सबको रहता है। लेकिन पिताश्री को भी किसी ने कहा कि इंदौर की एजुकेशन बहुत अच्छी है और इंदौर का वातावरण भी बहुत अच्छा है, उनके किसी दोस्त ने कहा था। तो दिल की इच्छा पिताजी की भी हो रही थी और माताजी भी तैयार थी, मेरी आई भी तैयार थी, लौकिक आई। तो मैंने थोड़ी हिम्मत तो जुटाई, लेकिन बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना। और मैं कैसे ट्रेन में बैठ करके इंदौर गई हूँ मैं जानती हूँ, है ना, क्योंकि जस्ट 16 साल की तो थी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी। और वहां जाकर के बहुत दिन तक तो मेरा मन नहीं भी लग रहा था, लेकिन धीरे 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 जो माता पिता के द्वारा दी हुई शिक्षा है या जो मीठा स्वभाव था या है, उसने काम करना शुरू किया, उसने असर दिखाना शुरू किया। और इंदौर हॉस्टल में जब हम रहे तब उस समय 15 कन्याएं केवल थी, लेकिन बता दूं आपको कि मुझे खास भाई जी के द्वारा पूरी सभा में रविवार को गुलदस्ता दिया गया था। हम 3 कन्याएं थी, मैं, भावना बहन और मंजूषा बहन, कि इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मीठा है, इनको कभी गुस्सा नहीं आता है, ये ऐसी बहनें हैं। तो भाई जी ने भरी सभा के बीच में हमारा इस प्रकार से सम्मान किया। हम ये नहीं समझ पाते थे कि भाई जी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाबा उनसे कुछ करवाना चाह रहा था। और वाकई में इतने दिल की इच्छा समर्पित होने की होने लग गई एक ही साल के अंदर ना, कहां मैं जाना नहीं चाहती थी और कहां एक साल के अंदर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मुझे खींच रहे हैं, भाई जी की पालना मुझे खींच रही है, बड़ी दीदियों की पालना मुझे खींच रही है, और उस पालना में मैंने अपने जीवन को कुछ संवारा। जीवन में परिस्थितियां सबके आती हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, 16 साल की उम्र कोई मैच्योर हो गए हैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है कि हमको जीवन की सही समझ हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन परम शक्ति परमात्मा इस धरा पर आकर के ज्ञान दे रहे हैं, ये समझ जितनी भाई जी को थी। और भाई जी चाहते थे कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो मैं कहूंगी कि भाई जी पिताश्री जैसे ही थे, हमारे लौकिक पिताश्री भी कहते हैं उनको कि मेरे गॉड फादर, मंजू तेरे गॉड फादर चले गए जब भाई जी ने शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने ये शब्द कहे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तराशा था, बहुत तराशा। तो जो पालना की अनुभूति वो एक साल में हुई है, वो आज तक जैसे चली आ रही है जीवन में, भाई जी की पवित्रता, भाई जी की क्रिएटिविटी, भाई जी का अमृत वेले उठना, भाई जी का मुरली से प्यार, भाई जी का अध्ययन मनन चिंतन, और बहनों को किस प्रकार सेवा में
आगे लगाना बढ़ाना, तो जो विशेषताएं भाई जी ने हमारे अंदर भरी, वैसा ही लगता है कि हम भी बहनों के अंदर डालने का प्रयास करें। भाई जी भी कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे तो हमें डर लगता था, लेकिन उतना ही उनके अंदर वो प्यार भी था, वो सम्मान भी था, और विशेष कन्याओं से प्यार। तो मैं अब समझती हूँ कि भाई जी ने हमारा जीवन बनाया है, बाबा ने तो बनाया ही है, लेकिन अगर मुख्य रूप से किसी की भूमिका रहेगी तो माँ को तो प्रथम गुरु कहा ही जाता है, लेकिन भाई जी को भी मैं कहूँगी कि उनकी पवित्रता ने, सरलता ने, क्रिएटिविटी ने मुझे आकर्षित किया, और उस आकर्षण के कारण मेरे भीतर समर्पित होने की शक्ति आई, अन्यथा समर्पित नहीं हो पाते। सेंटर पर भी आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, संगठन में सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, परंतु माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार और साथ साथ हमारे बड़े जो निमित्त हैं उनके द्वारा दिए हुए संस्कार बहुत काम करते हैं। तो मैं भाई जी के लिए यही कहूंगी, ये तो मेरा पहला अनुभव है, ये श्रृंखला और चलेगी। चलते चलते न थके ऐसे पिता के पांव, चलते चलते न थके ऐसे पिता के पांव, उनसे मिलकर ऐसे लगे जैसे बरगद की छांव, जैसे बरगद की छांव। ओम शांति। I'm not afraid.